Hello dear friends, today I am talking about how you can achieve your goal. जब भी आप कोई काम करते हैं सब आपको कहते हैं ध्यान से करो। ध्यान में इतनी शक्ति है कि आप जो भी कुछ काम करते हैं बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अभी भी आप जो मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से सुन रहे हैं, तो ध्यान से सुनने में आप अपने लक्ष्य को बहुत अच्छी तरह साध सकते हैं, क्योंकि उस समय आप सब चीज़ों से दूर, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या क्यों कर रहा है, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं और सिर्फ आपके दिल में आपका सिर्फ लक्ष्य होता है जिसको आपको अचीव करना है। तो इसी ध्यान को और डिटैचमेंट को लेके सक्सेस कैसे अचीव करते हैं, चलिए देखते हैं इसके बारे में और भी अधिक कुछ। डिटैचमेंट डज नॉट मीन दैट यू लीव समथिंग, इट मीन्स दैट थिंग्स यू वर अटैच टू अर्लियर ऑटोमेटिकली लीव्स यू। A car owner automatically leaves his scooter and cycle. A person who is an officer now leaves his clerical post. Childhood leaves you and you become adolescent and then adult. Your thoughts change, face changes, nature changes. Change is the permanent thing in the universe. So keep changing, keep learning new things, keep growing. Don't get stuck on your past. Live in the present moment. Achieve your set goal without distraction. Never get stuck on your past events of who said what to you. Go ahead in your life with a set goal to achieve success. Dear friends, detachment का मतलब किसी चीज़ को त्यागना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें जिससे आप पहले अटैच थे वो ऑटोमेटिकली आपसे छूट जाती हैं। जैसे एक कार ओनर है, उससे स्कूटर और साइकिल छूट जाते हैं क्योंकि अब आप कार के मालिक हो गए हैं। और जब आप किसी ऑफिसर पोस्ट पे आते हैं तो आपकी क्लेरिकल पोस्ट छूट जाती है। चाइल्डहुड आपका तब छूट जाता है जब आप एडोलेसेंट हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं। आपकी थॉट्स बदलती हैं, आपका फेस बदलता है, आपकी नेचर बदलती है। चेंज एक परमानेंट चीज़ है यूनिवर्स में, तो इसलिए हमें चेंज होते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, नई उमंगें पैदा करनी चाहिए अपने को ग्रो करने के लिए, अपनी लर्निंग आगे बढ़ाने के लिए। हमें किसी पास की चीज़ पे, पास की इवेंट्स पे अटकना नहीं चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना चाहिए। हमें अपने गोल को विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन आगे बढ़ते रहना चाहिए, गोल को अचीव करना चाहिए। और अगर हम पास चीज़ पे ही अटक गए कि किसी ने हमको कुछ कह दिया हमारे गोल को पाने के लिए कि तुम ये नहीं कर सकते, और हम उसको दुखी होके फील करने लगते हैं, तो हम गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलके अपने गोल को अचीव करना चाहिए हमेशा, और किसी भी चीज़ में अटकना नहीं चाहिए, यही सक्सेस का नियम है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।